हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार चैनल पर स्वागत है। और ये देखिए, आज मैं आप सभी के साथ अपने छत के जो टेरेस का है, गार्डन है, उन पौधों की मैं अपडेट दूंगी। बहुत टाइम हो गया है, पूरी अपडेट मैं नहीं दी हूँ। शायद मुझे लगता है अप्रैल मंथ के महीने में ही मैं दी थी, तब से नहीं दी हूँ। तो ये मेरे हैं विंटर वाले पिटोनिया, चल रहे हैं, देखती हूँ कितने टाइम तक चलते हैं। ये देखिए, कलियाँ भी बन रही है इसमें, बहुत सारे फूल भी आ रहे हैं। और ये देखिए, छोटी छोटी कलियाँ और बन रही हैं। तो इस तरह से इसमें कली बनती रहती है। और यहाँ पर ये मेरे सदाबहार हैं, ये वाला सदाबहार दोस्तों बहुत अच्छा है, पर इसमें प्रॉब्लम हो गई है, ये बीच से यहाँ से टूट गया है। अब आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये यहाँ से ये बिल्कुल गल गई थी, लटक गई थी। बारिश कम हो रही है, बारिश के साथ लेकिन हवा काफ़ी तेज़ हो रहा है। तेज़ हवा की वजह से पौधे बिल्कुल मतलब ख़राब हो रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल लटक से गए थे गली गले, तो मैं यहाँ पे कट कर दी हूँ। ये देखिए, यहाँ से हटा दी हूँ एक छोटा सा, ये देखिए, ये लगा दी हूँ। देखती हूँ कटिंग लगाई हूँ चलता है कि नहीं। बहुत ज़्यादा बारिश रात रात होती है, दिन में तो नहीं होती है, पर शाम के टाइम बारिश होती रहती है। सदाबहार मेरे इस तरह से चल रहे हैं, जितने भी हैं उतने चल रहे हैं। बीज इनके बहुत सारे गिर गए हैं, निकल आए हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें है, मतलब हर एक पौधे के अंदर बीज, जब मैं आप सभी के साथ दिखाई थी तो इसमें ग्रोथ रुकी, अभी मतलब हुई नहीं थी, छोटे छोटे पौधे थे, आप देख सकते हैं। अब ये पूरा गमला भर गया है बिल्कुल, देखिए इस तरह से। और इनके भी बीज बहुत सारे गिरने लगे हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा बीज गिर रहे हैं। तो ये इस तरह से बीज गिर रहे हैं, ये फिर से पौधे तैयार हो जाएंगे। अभी तो इतने ही गमले भरे हैं, आगे देखते हैं कितने गमले भरते हैं। ये मैं जो कटिंग से लगाई थी, इसमें भी देखिए नीचे से पत्ती स्टार्ट हो गई है आना। पहले इसमें नीचे पत्ती नहीं थी, ऊपर ही ऊपर थी, और अब ये नीचे से भी अच्छा। और वहाँ पे मेरे सदाबहार हैं, उसमें भी देखिए फूल आ रहे हैं। ये दोस्तों है एरिया मेरा, सब गुड़हल का सभी है, इनमें सब में मुझे वो फर्टिलाइज़र देना है। कलियाँ आ रही है, बहुत कम आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी नहीं दी हूँ, क्योंकि लगातार बारिश हो रहे होने के चक्कर में। और इसमें देखिए कलियाँ बन रही है, ये गुच्छे वाले हैं, जो छोटी गुच्छे में फूल आते हैं, पर छोटे में आते हैं फूल। और ये भी देखिए दोस्तों, ये भी गुच्छे में ही आ रहे हैं। इनमें मैं खाद दी थी, जिनमें दी थी उनमें इनमें बहुत अच्छे से कलियाँ बन रही है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए कली गिर गई, इस तरह से ना ये हो जाता है। बारिश इतनी होती है ना कि आंधी की वजह से पौधे पूरे हिल जाते हैं। और सभी में मेरे अभी फूल नहीं बन रहे हैं, इनमें कली बनी है, वो छोटी छोटी है, नज़र नहीं आ रहा है। और इनमें अब मुझे देना है खाद, काफ़ी हो गया है, काफ़ी टाइम खाद नहीं दी हूँ। रेन लिली देखिए, आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा मेरे खिले हुए थे, ये देखिए कितने, इसमें चार पांच तो इसमें खिले थे, इस वाले पॉट में भी तीन या चार खिले थे। रात में दोस्तों बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, और ये देखिए कलियाँ बन भी रही है। ये देखिए एक ये है, एक यहाँ है, एक और यहाँ पे है, मतलब कलियाँ ना आज आप देख रहे हैं ना इतनी है, आप कल देखेंगे ना धूप अगर निकल आई तो ये ना इतनी बड़ी हो जाएंगी, बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ होती है। और कलियाँ इसमें भी देखें बन रही है, और ये सात के आठ फूल खिले हुए थे, सभी मुरझा गए हैं। ये देखिए झुंड में दोस्तों दिखा रही हूँ, क्योंकि एक एक दिखाऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और फॉर्चून का में मेरे फूल बहुत सारे आ रहे हैं, इतने टाइम तो दोस्तों बंद हो गए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल पूरे बंद हो गए हैं फूल, जितने भी आए हुए थे। और यह है टिकोमा मेरा ऑरेंज कलर का, ये देखिए कलियाँ बनी हुई है, जितनी ब्रांच है उतनी में ही कलियाँ बनी हुई हैं, ढेरों कलियाँ बन गई हैं इसमें। ये मेरा वाइट वाला सदाबहार देखिए, यहाँ इसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पूरा पौधा लटक से गया था। अब ये बारिश बंद हुई है, थोड़ी धूप निकली है दिन में, तो ये थोड़ा सा अच्छा है, वरना ये बहुत ज़्यादा लटक गया था। फिर भी देखिए आप किस तरह से ये लुढ़क गए हैं, ये देखिए ऐसे,
ये लोड अक्से गए, ज़्यादा ये वजन हो गया ना, हैवी लोड ज़्यादा हो गया, फूल ज़्यादा आ रहे हैं और गमला, तो इसमें ना कुछ बांधना पड़ेगा मुझे। और दोस्तों एक एक फूल नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना, गमला सॉरी वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं। और ये देखें कंदेल में भी फूल आ रहे हैं, इसमें भी कलियाँ बन रही हैं, कलियाँ जितनी बनी थी मैं कट कर दी थी, और देख सकते हैं आप फिर से कली इसमें बनने लगी हैं। ये डबल पैटर्न चांदनी है, इनमें भी खूब सारे फूल बन रहे हैं, और जितने ख़राब होते जाते हैं वो मैं हटाती जाती हूँ, फिर वो फूल देखने में अच्छे नहीं लगते, मुरझाए मुरझाए से फूल। और देखिए चंपा में मेरे कली बन रही है, और लेट हो गया इसमें चंपा में कली बनना। और ये दोस्तों सावनी है, सावनी तो मैं आप सभी के साथ शेयर की थी, ये देखिए कई जगह जितनी भी ब्रांच है सभी में फूल आ रहे हैं, इसके फूल सारे झड़ गए, बस वही है कि बारिश तेज़ हुई, आंधी भी आई और सारे फूल उड़ा ले गए। देखिए यहाँ से भी निकलना है। और ये है दोस्तों अलमंडा, इसमें भी बहुत फूल आ रहे हैं, ये देखिए इस तरह से हो जाते हैं ना, ये देखने में अच्छे नहीं लगते, तो मैं इसे हटा देती हूँ बिल्कुल, फिर ये देखने में बहुत ख़राब लगते हैं, तो ये अलमंडा है। ये दोस्तों ये येलो कलर का है, येलो या ऑरेंज में है कुछ, ये बोगनविलिया, इसके भी फूल आ रहे थे, कट कर दी थी, इसके फिर से देख रहे हैं फूल आना स्टार्ट हो गए हैं, अब ये इसमें फिर फूलों से ही भर जाएगा। कट ना करो ना तो दोस्तों देखने में बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं, तो इसी वजह से मैं कट कर देती हूँ फूल पौधे। एक अलमंडा दोस्तों ये है, ये देखिए इस पीच कलर का, इसमें दोस्तों एक और है येलो कलर का, उसमें शायद फ्लावरिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इसमें तो बहुत ज़्यादा हो रही है, ये देखिए फूल बहुत आ रहे हैं इसमें। और मोगरा में भी दोस्तों नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, कली भी बनने लगी है, देखिए हर जगह से जहाँ जहाँ से ब्रांचें कट की थी सभी से नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, ये देखिए छोटे वाले में भी स्टार्ट हो गई है। अपराजिता में भी दोस्तों बिल्कुल ग्रोथ बंद हो गई थी, फूल आना बंद हो गए थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो मैं इसी थोड़ी थोड़ी पिंचिंग कर दी थी, अब देख सकते हैं कलियां भी बनने लगी हैं, फूल भी आने लगे हैं, और कुछ टाइम पहले अभी फूल नहीं आ रहे थे, तो थोड़ी थोड़ी सी ना इस तरीके से यहाँ पर तोड़ दी थी, जैसे ये है यहाँ से इतना तोड़ दी थी, तो अब फूल बनने लगे हैं, ये देखिए इसमें भी फूल बनने लगे हैं, पूरा झुंड है, ये अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा है पौधा, इसे बांधना है। पॉट वाले में दोस्तों अभी मेरे फूल नहीं आए हैं, एक फूल आया था और खिल के चले गए, पर अब शुरुआत हो जाएगी, इसमें आते हैं ना तो एक साथ में आते हैं, बहुत सारा आता है, पूरा भर जाता है फूलों से। और ये मेरा गुच्छा वाला है, देखिए ये कल फूल खिला था, तेज़ धूप होने से देखिए किस तरह से फेड हो गया है। और एक ये है, ये फूल खिला है, हैवी लोड के वजह से ना कैसे देखिए आप गिर गए हैं, ये सब गिरे हुए हैं, कलियाँ इसमें ढेरों बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर भी बनी हुई है, कलियाँ बहुत बनी हुई हैं। पिंक वाले में भी एक एक दो दो फूल आ रहे हैं, अब मैं इसकी ना पिंचिंग कट कर दूँगी, कट करने से थोड़ी टाइम के लिए रुक जाएगा, फिर इसमें ना और ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी और फूल ढेरों तैयार हो जाएंगे। और ये दोस्तों मेरी मधुमालती, इसके ऊपर तो मैं वीडियो आप सभी के साथ शेयर की थी कि किस तरह से मैं इसे फूल लाने में मजबूर कर दी, और आप देख सकते हैं पूरी तरह से भरा हुआ है, ये देखिए हर एक ब्रांच में फूल आया है, ये देखिए जिसमें नहीं आए उनमें कलियां बनी हुई हैं, ये देखिए पूरे भर में फूल आया हुआ है। मिर्च में दोस्तों कट कर दी थी, और जो भी मैं लिक्विड फर्टिलाइजर दी थी, ये देखिए इस तरह से मिर्ची काफ़ी सारे बनने लगे हैं, ये देखिए यहाँ पर भी मिर्ची बनी हुई और है, इसके अंदर भी है मिर्च बन रही है, पता नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा घना घना पौधा हो गया, विंटर आएगा तो मैं इसे काफ़ी ज़्यादा हटा दूँगी, ताकि इसमें और ज़्यादा अच्छे अच्छे, मतलब दूर दूर से होती है ना, तो इसमें अगर मिलीबग या कीड़ा कोई अटैक कर रहा है तो हमें पता चलता है, पर ये इतनी नज़दीक है कुछ इसमें पता भी नहीं चल रहा है। और ये देखिए मिर्ची बन रही है इसमें दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर भी मिर्ची बन रही है, मिर्ची बहुत बन रही है इसमें दोस्तों। है मेरा मॉर्निंग ग्लोई,
यहाँ से तो बहुत ब्रांचें कम हो गई थी गर्मी के चक्कर में, काफ़ी ब्रांचें सूखने लगी थी, पर ये देखिए मौसम आते ही बारिश आते ही एक ही दो बार बारिश हुई है और देखिए इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और एक मैंने ये लगाया है मॉर्निंग ग्लो, ये इसमें भी देख सकते हैं आप ढेरों ब्रांच आई हुई है और ये पूरा मैं इसमें चढ़ा दी हूँ। इसके ऊपर दोस्तों वीडियो अभी नहीं बन पाया है पर मैं बहुत जल्दी बनाऊँगी। इसमें ना सुबह ही सुबह फूल खिलते हैं और शाम को तो इसमें फूल बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं। और ये है दोस्तों गुलाब, गुलाब में तो मैं फर्टिलाइज़र दी हुई थी, लिक्विड नहीं ठोस ली थी। और ये देखिए गुलाब एक फूल खिला है, बहुत छोटा सा है, बिल्कुल एकदम छोटा सा खिला है। और गुलाब में दोस्तों सभी में ग्रोथ हो रही है, देख सकते हैं ना आप, ये देखिए जिसमें जिसमें दी थी ना उनमें उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, सभी में ग्रोथ हो रही है बहुत अच्छे से। ये देखिए इसमें इसमें तो मैंने अभी खाद भी नहीं दी क्योंकि ये मिट्टी गीली थी तो इनमें खाद नहीं दी थी, लेकिन ये भी देख रहे हैं ग्रोथ पर आ गया है। तो सभी में गुलाब में दोस्तों ग्रोथ हो रही है, ये देखिए चाहे वो नए पौधे लिए हों चाहे पुराने हों सभी में हो रहा है। इसमें तो फूल भी आ रहे हैं, ये फूल ख़राब गया है, ये भी फूल ख़राब हो गया है और साइड से ग्रोथ देखे बन रही है। और ये दोस्तों मेरा हर सिंगार, इसे मैं इसी साल रिपोर्ट की हूँ बहुत बड़े गमले में, तो जिस तरह से ये गमला भी बड़ा उसी तरह से इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी निकल के आई है। अब इसका टाइम आ रहा है दोस्तों एक डेढ़ महीना बाद इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे, फूल सितंबर महीने से दोस्तों फूल आना शुरुआत हो जाता है। और ये मेरे हैं गजानियाँ, अभी तो फ़िलहाल ठीक है दोस्तों, देखते हैं गर्मी ठंडी विंटर चेंज होता है वातावरण, मौसम चेंज होने की वजह से भी इनमें मिलीबग का अटैक काफ़ी ज़्यादा इस समय बारिश और दिन में धूप निकलने की वजह से ना मिलीबग का अटैक काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो जाता है। और ये मेरा पर्सलिन है, इसमें आप कलियाँ देखिए बनने लगी हैं जो मैंने रिपोर्ट किए थे, जो कटिंग से लगाई थी कोई कीड़ा काट दिया था वो भी देखिए बड़े बड़े हो गए हैं, उनमें भी ग्रोथ बहुत अच्छी आने लगी, अब इनमें कलियाँ बनने लगी हैं। और जो मैं यहाँ पर कटिंग लगाई थी दोस्तों इसमें भी आप देख सकते हैं किस तरह से रेड कलर की कली बनने लगी है। ये कोई कीड़ा ही आ जाता है दोस्तों, काट कट करके टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। अब देखिए इसमें अच्छे से बनने लगे, रूट्स वगैरह आने लगे हैं। ये दोस्तों मेरा कृष्णा कमल का पौधा, अभी तो फूल आया नहीं है इसमें पर ग्रोथ ना इसकी अच्छी से हो रही है, हर जगह से ग्रोथ हो रही है, ये देखिए नई नई ग्रोथ हो रही है ना, तो उम्मीद है कि अभी नहीं तो कभी तो फूल इसमें आएगा ही, इस साल नहीं अगले साल आएगा, मतलब आएगा तो है ही है पर ना एक्साइटेड रहता है कि हाँ कब आना है फूल। देखिए ग्रोथ इसकी बन रही। और आप दोस्तों मुझे बताना कि ये जो पौधा है, ये देखिए ये जो मैं कृष्ण कमल का पौधा ली थी ना, तो ये इसमें ना कटिंग लगी हुई थी, ये किस पौधे की कटिंग है, इसका क्या नाम है इस पौधे का मुझे तो पता नहीं दोस्तों, सिर्फ डाली डाल थी इसमें पत्ती एक भी नहीं थी। और आप देख सकते हैं अब इसमें पत्ती बहुत सारी हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है पत्ती, तो आप देख सकते हैं। आप बताना दोस्तों आप में से किसी को पता हो कि ये किसका पौधा है। सबसे अच्छा ना दोस्तों ये मेरी मेहनत सफल हुई है, इसमें जितनी भी ब्रांच है जितनी भी कलियाँ आई थी सभी में फूल आ रहे हैं दोस्तों, और बहुत अच्छे से भी चल रहा है, देख सकते। तो यही दोस्तों यहाँ तक था वीडियो, ये है छोटी वाली हिबिस्कस है, ये भी सुबह खुलते हैं, इतने टाइम ये बंद हो जाता है, ये देख सकते हैं आप इस तरह से बंद हो जाता है। तो दोस्तों यहीं तक था वीडियो, और इसमें भी तो फूल बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसमें मैं क्या फर्टिलाइज़र दी हूँ ना, शॉर्ट में वीडियो पड़ा है दोस्तों आप देख सकते हैं, बस उसके सिवा मैं इसमें कुछ भी नहीं दी हूँ। और आप देख सकते हैं, देख के देखिएगा, और इसकी कलियाँ देख सकते हैं आप कितनी सारी इसमें कलियाँ आई हैं, काफ़ी फूल तो इसमें आ चुके हैं, देखिए नीचे भी पड़ा हुआ है फूल, सूख सूख के गिर गए हैं सब। तो बस दोस्तों यही तक था वीडियो, कैसा लगा आपको बताना ज़रूर।
फास्ट फास्ट दोस्तों दिखाई हूँ, एक एक करके नहीं दिखाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, तो इसी वजह से। तो यहीं तक था दोस्तों वीडियो, कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।